ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है इस डॉल का। ये लोग भी ग्रीन लाइट रेड लाइट खेल रहे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आया हूँ कोरिया के डेजन सिटी के म्यूज़ियम ऑफ आर्ट देखने के लिए, जो मेरे पीछे है आप देख सकते हैं। तो यह है एंट्रेंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह है एंट्रेंस जो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पेड़ है यहाँ पे। तो आते ही यहाँ पे फर्स्ट है द स्टैचू ऑफ इमोर्टैलिटी, ये देख सकते हैं आप। ये सेकंड आर्ट वर्क है जिसका नाम है यूटोपिया, बहुत ही सुंदर है ये। ये है थर्ड आर्ट वर्क नोस्टैल्जिया, ये देखिए। ये है दो बच्चे और ये शायद उनकी मॉम है। आप अगर ये एंगल से देखें तो बड़ी होप लेकर वो यहाँ पे देख रहे ऊपर। प्रोटोप्लाज्म इन द स्पेस, ये 2000 में बनाया गया था। ये जो होता है, ये जो सर्कल देख रहे हैं आप, ये ऐसा ही कुछ टेक्नोलॉजी रॉकेट में यूज़ की जाती है। ये बहुत ही अच्छा स्कल्पचर है, क्योंकि ये अगर आप देखें ये एंगल से तो आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पे सिर देखिए आप, यहाँ पे तीन सिर है, लेफ्ट राइट और बीच में। जो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर भी किसी होप में देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी कोई उनको हाथ दे रहा है। और पैर भी देख सकते हैं। ये आगे भी एक स्कल्पचर है, बट मैं आपको बस इम्पोर्टेंट स्कल्पचर दिखाऊंगा। यह है किंग हेजोन का स्कल्पचर, जो देखिए आप स्टैचू है और पूरा बस किससे बनाया गया है। बहुत ही सिंपल आर्ट वर्क है, बट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बनाने में। क्रिएटिविटी इसी का नाम है। ये तो आप देखकर ही बता सकते हैं, ये तो फिश है और ये फिश के स्केलेटन लग रहा है मुझे। पर इसका आर्टवर्क का नाम है नोशन। और आपको मैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हट के आर्टवर्क है और थोड़ा सा अलग है,
अदर आर्टवर्क से। जैसे आप देखिए, इसका नाम है टू द फ्यूचर, और देखिए कैसे एक इंसान होमो सेपियन से होकर प्रोग्रेस करता चला गया और आज ह्यूमन है। ये जो बीच में गैप रखे गए हैं ये जनरेशन से, कैसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है स्टोन एज से लेकर करंट एज तक और फ्यूचर भी, तो यहाँ पे खाली रखा गया है। ये देखिए राइट में, फिर से आगे, और ये है। तो एक्चुअली ये है क्या, जब आपके बॉडी में सोल होती है तो वो कुछ ऐसी होती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बॉडी विथ सोल। और जब आप मर जाते हैं तो ये देख रहे हैं आप, स्केलेटन दिख रहा है आपको पूरा आपके बॉडी का। और मर जाने के बाद सोल आपको छोड़ के चली जाती है, तो बॉडी ऐसी हो जाती है। ये है द रिंग्स ऑफ फायर, और ये भी कुछ आर्ट वर्क है जिसका नाम है मैसेंजर। आई डोंट नो इसे मैसेंजर क्यों कहते हैं। मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे आने का टाइम इवनिंग इसलिए सोचा था क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे फाउंटेन स्टार्ट हो जाएंगे, पर अभी तक तो मुझे कोई सीन नहीं लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखता है, ये देखिए गाइस, साइकिल्स। और वो वाली तो देखिए, इतनी बड़ी लेन देखिए, सारी इंटरकनेक्टेड साइकिल्स है। गाइज, आपने नेटफ्लिक्स की हेल्थ बाउंड सीरीज तो देखी होगी, तो ये तीन मॉन्स्टर भी आपको पता होगे कि ये कैसे ह्यूमन से आते हैं और सोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी से। अगर आपने नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम देखी होगी, आई गेस ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें यह होता है एक गेम ग्रीन लाइट रेड लाइट, जिसमें एक डॉल है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आप देखिए उसी डॉल को, ये लगती है क्यूट बट काम सारे विलन वाली करती है स्क्विड गेम में। ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है इस डॉल का, ये लोग भी ग्रीन लाइट रेड लाइट खेल रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने वो सीरीज़ देखी नहीं होगी तो गाइस आप ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं फिर लौटूंगा एक नए व्लॉग के साथ,
और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।